अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए भी आए हैं और हमारे जन्मदिन के अवसर पर भी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए विशेष तौर पर आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, अभी हमारे साथी ने, वक्ता ने कहा आप मैक्सिमम लोग आप हमको जान रहे हैं, कुछ साथी को नहीं मेरे बारे में पूरी जानकारी होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को हमारे बारे में जानकारी है। आपके सोच में ही है कि आप राजा बन सकते हैं या गुलाम बन सकते हैं। हर एक व्यक्ति के सोच में है कि वो राजा बन सकता है या गुलाम बन सकता है। मैंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया, जिस परिवार में पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, हमारे दादाजी के पिताजी मछली मारते थे, और घर परिवार आप समझ सकते हैं कि एक मछुआरा परिवार में किस तरीके से कितने गरीबी में जीते हैं। हमारे दादाजी के समय में अगर दो रोज चार रोज तक अगर मछली ना मारे, मछली ला के बेचे नहीं, तो शायद चौथा दिन या पांचवा दिन शायद खाना ना बने। इतनी गरीबी में से हम लोग निकल के आए हैं। उसके बाद लोग कहते ना, हमारे पास हजारों समस्या है, जहां हजारों समस्या है वहीं पे हमारा जन्म हुआ। और जन्म लेने के बाद 18 साल तक गांव में रहा, पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर मुंबई गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे मजदूरी में करता था। और आप समझ सकते हैं कि अपने घर परिवार से दूर रहकर किस तरीके से बच्चा रह सकता था। लेकिन मैंने वहां पे ईमानदारी के दम पर बहुत कम समय में मुंबई जैसे शहर में हमने अपना मुकाम बनाया। ऐसे तो जो लोग बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, लेकिन मैं उसमें से एक अलग मैं बना और अपने सोच पर मैं वहां पर अपनी जिंदगी बेहतर बनाया। 16 साल में हम बेहतर जिंदगी बना लिए, जयसोराम की जिंदगी जीने लगे। फिर मैं बिहार आया तो मुझे लगा कि मैं तो आगे निकल चुका हूं, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए घर नहीं है इस धरती पर। तभी से मैंने अपने समाज के लिए संगठन के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम किया। 2014 से लेकर 2020 यानी कि 6 सालों में, 2014 से लेकर 2020 में 6 सालों में, जो 75 साल में बिहार ही नहीं देश में किसी निषाद का बेटा ने नहीं किया, वो हमें करके दिखा दिया। इसलिए मैं कहता हूं ना कि आपके सोच में ही है कि आपको राजा बनना है कि गुलाम बनना है। हमें भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी बोले कि आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। हमने बोला नहीं, ये हमारा एजेंडा है, तुम लिख के दो कि तुम काम करोगे, तुमको मदद करेंगे। और वह मैं उसका पार्टी नहीं ज्वाइन किया और मैंने उसे लिखवा के लिया। 6 साल तक 4 साल तक उनके पीछे पीछे घुमा कि शायद ये हमारा काम कर देंगे, लेकिन मुझे अंदाज मिल गया कि ये लोग काम करने वाले नहीं है, खास करके पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। और मैंने 2018 में निर्णय लिया कि हमें पार्टी बनाना है, जो काम उनको कह रहे करने के लिए वो काम हम कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। और 18 में पार्टी बनाया और 2020 तक बिहार विधानसभा में आप किंग मेकर बने। आप भले मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन आपके सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। एक मल्ला का बेटा ने सहयोग से आज बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये आपके पास ताकत था, जो काम पूरे देश में कभी नहीं हुआ था। लोग हमारे समाज में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, या अन्य देश के कोई भी कोना में, एक विधायक बनने का काम किया, एक मंत्री बनने का काम किया, एक सांसद बनने का काम किया। और मुझे पता है ना, गुलाम तो गुलाम ही होता है और मालिक मालिक होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। गुलाम कभी मालिक नहीं हो सकता है, गुलाम कभी मालिक के जैसे डिसीजन नहीं ले सकता है। लेकिन मालिक जो होता है
वो सही समय पे हर समय पे अपने साम्राज्य को बचाने के लिए और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा राजा डिसीजन लेता है। मैंने मुख्यमंत्री बनाया उस समय हमारे पास बहुत ऑफर आया कि आप आइए डिप्टी सीएम बन जाइए, आपके चारों विधायक को मंत्री बना रहे हैं, राजपाल कोटा से 12 एमएलसी खाली होगा, 6 आप ले लीजिए, 6 माझी जी ले लेंगे, बहुत तरह का ऑफर दिया। लेकिन ईमानदारी भी बहुत बड़ी चीज होता है, क्योंकि मुंबई के शहर में मैंने कम समय में मैं अगर वहां पे कामयाब व्यक्ति बना तो ईमानदारी के दम पर बना, क्योंकि हमें ये जो चीजें हैं वो विरासत में नहीं मिला था, हमने संघर्ष करके अपनी दुनिया बनाया था और ईमानदारी के दम पे मैंने बनाया था। और यहाँ पे भी मैंने कहा कि ईमानदारी के दम पे आगे बढ़ेंगे, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। जब तक आप ईमानदार हैं तब तक दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा सकता है। हाँ, जिस रोज आपके मन में छल कपट लोभ लालच आ जाएगा उस रोज आप अपने नजर में ही पहले आप हार जाएंगे, दुनिया के बारे में बाद में तो बाद में। तो हमने सब चीज को ठुकराते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हमने काम करने का मौका हमें मिला और साथ में हमने सरकार बनाने का काम किया। और डे वन से उनके सोच में था कि जो लोग गुलाम होता आया है आजादी से लेकर आज तक वो व्यक्ति महाराजा कैसे बन सकता है। जो लोग हमारे पीछे घूमते रहा कि एक टिकट दे दो चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, वो व्यक्ति आज टिकट कैसे मांगने लगा और टिकट कैसे बांटने लगा है। इसलिए उन्होंने 2-3 महीना तो जनवरी तक हम सरकार में काम कर रहे थे समझ रहे थे, लेकिन फरवरी से उनका षड्यंत्र रचना चालू कर दिया और जगह जगह पे पहले तो मजाक में बोलने लगा कि आप पार्टी विलय कर लीजिए और आप अगला 2025 में मुख्यमंत्री बनिए और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और देश दुनिया का बड़ा नेता बनिए। हमने बोला भाई हमारा भी परिवार छोटा ही सही, रहने दो, हम जहां वहीं रहने दो। हाँ, अगर आप आरक्षण लागू कर देते हैं तो एक बार सोचा जा सकता है, क्योंकि ये पार्टी जो बना है वो समाज के आंदोलन से बना है, समाज के हक अधिकार के लिए बना है और ये हक अधिकार मिले बगैर ये पार्टी खत्म नहीं हो सकता है। उन्होंने षड्यंत्र रचने का काम करने लगा, मजाक में बोलने लगा, फिर थोड़ा सीरियस होने लगा और हमें अंदाजा लग गया कि ये लोग आने वाले समय में परेशान करेंगे। आपने देखा होगा कि सुगौली में रामचंद्र सहनी जी को हमने टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दिल्ली से फोन किए कि सर मुकेश जी एक इनको टिकट दे के एडजस्ट कर लीजिए, ये आप ही का समाज का है और अंतिम समय है, नहीं तो ये दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ लेंगे तो मैसेज गलत चला जाएगा, इनको आप एडजस्ट कर लीजिए। हमने भी देखा कि उस क्षेत्र में उनसे बेहतर हमको कैंडिडेट नजर नहीं आया और हमने दिल्ली वाले का बात मान लिया और उनको हमने चुनाव लड़ाया। चुनाव 3000 वोटों से वो हार गए, क्योंकि वहाँ पे LJP 16000 वोट ने काट लिया। चुनाव हार गए कोई बात नहीं, उसके बाद हमारे अभिभावक के समान उनको हम मान रहे थे, जब भी कार्यालय में आते थे जो भी काम कहते थे वो मैं यूं ही करा देता था। उसके बाद सबसे पहला काम भारतीय जनता पार्टी ने किया कि वो रामचंद्र सहनी जी को भारतीय जनता पार्टी फिर से ज्वाइन करा लिया। तो पहले उन्होंने टेस्ट किया कि इसका रिएक्शन मुकेश सहनी क्या देगा, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। ज्वाइन करने वाले का विचार और ज्वाइन कराने वाले का विचार, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लोग स्वतंत्र हो जिसको जहां जाना चाहिए, लेकिन उनको ईमानदारी ये बिताना चाहिए कि ये VIP पार्टी घूम पसीना बहा के हमने बनाया और आपको चुनाव लड़ने का मौका दिया, उसके बाद भी आप समाज का नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए, तो मुझे कोई परवाह नहीं था। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर देने लगा, विभाग में काम काज से लेकर हर चीज में लड़ाई लड़ने लगा। फिर उस समय में मैंने लड़ाई लड़कर विभाग में पदाधिकारी काम नहीं कर रहा था तो मुख्यमंत्री जी को कहकर उसको विभाग से सचिव को मैंने बाहर करने का काम किया। तो हम अपने लड़ाई लड़ने लगे, हमें लगा कि अभी हमारे इससे भी ज्यादा पावर चाहिए और इसके लिए उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ना चाहिए, झारखंड में लड़ना चाहिए, क्योंकि आप ईमानदार हैं, आज जुड़े या कल जुड़े या परसों जुड़े वो लोग आपसे जुड़ेंगे ही, क्योंकि जब तक आप ईमानदार रहेंगे जुड़ते रहेंगे। आज अगर मुझे लगता है कि अगर देश में अगर 2% 3% मुकेश सहनी को अगर नहीं मानते हैं तो सिर्फ गुस्से से नहीं मानते, सिर्फ दिमाग से नहीं मानते, लेकिन उनके दिल में आज भी मुकेश सहनी बसता है और उनके दिल में बसता है। और मैं तो कहता हूं कि हम अपने लोगों के और देश के लोगों के बीच में उनके दिल में और दिमाग में रहे।
कभी दिल में रहे, कभी दिमाग में रहे, लेकिन रहेंगे तो उसी के शरीर में। अगर गुस्सा करते हैं तो दिमाग में है, प्यार करते हैं तो दिल में है, लेकिन रहेंगे उन्हीं के पास। तो आज हम लोगों ने मजबूती से काम कर रहे थे। आज हमने मुजफ्फरपुर में हमने सोचा 200 करोड़ रुपया खर्चा करके एक फिजिक प्लांट लगाने का काम हमने सोचा था कि पूरे बिहार में जिस तरीके से सुविधा है, किसान से दूध लेकर उसको पैकिंग करके बेचा जाता है मार्केट में, उसी तरीके से हमने सोचा 9 कमिश्नरी है, 9 कमिश्नरी में सुधा के जैसे हम लोग क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं, हर जगह प्लांट क्यों नहीं लगा सकते हैं, ताकि जो मछुआरा का 300 रुपया में मछली बिकता है वही मछली वहां पे 500 रुपया में बिकेगा, क्योंकि मछली बेचने का व्यवस्था होगा, पैकेजिंग होगा, इंडिया से बाहर दूसरे दूसरे देश में जाएगा, इंडिया में भी दूसरे दूसरे राज्य में जाएगा, और बिहार सरकार के तरफ से 225 करोड़ रुपया एक एक साल में हम सुधा को देते हैं अनुदान। जब हम सुधा को देते हैं अनुदान 200-250 करोड़ रुपया, तो क्या हम इस विभाग को भी 200-250 करोड़ रुपया नहीं दे सकते हैं? और जब 200-250 करोड़ रुपया देंगे तो ये समाज कितना आगे निकल जाएगा। ये हमने पॉलिसी बनाया, एक पायलट प्रोजेक्ट हमने पहले बोला कि हाजीपुर में करेंगे, इसके लिए हमने विभाग को पिछ पत्र भी लिखा पिछले साल मार्च में कि इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। अभी मत्स्य संपदा योजना से 225 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के तरफ से आना था, लेकिन 20 करोड़ रुपया आया। ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर सिर्फ 20 करोड़ रुपया भेजने का काम किया, इसलिए क्योंकि पैसा जाएंगे और मुकेश सहनी काम कराएंगे, अपने समाज के बीच में हीरो बन जाएंगे। अरे मैं हीरो तो अपने समाज में हूं ही, और काम तो मुझे करना ही है, और काम होगा भी आने वाले समय में, लेकिन ये रोकने का काम किया। अभी हमने सोचा कि जिस तरीके से किसान भाई को साल का 6,000 रुपया मिलता है, तो क्या मछुआरा किसान नहीं है? वो जमीन पे काम करता है और मछुआरा पानी में काम करता है, ये भी किसान है। हमने कहा विभाग को एक पोर्टल लॉन्च करके पहले सूची उपलब्ध कराइए, और हमने किसी मंत्री किसी विभाग में सचिव सरवन से हमने कहा कि पूरे बिहार के जितने भी मछुआरा है उसका सूची उपलब्ध करा के सबको किसी अनुदान देने की आवश्यकता है, और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे थे। 50 लाख मछुआरा का रजिस्ट्रेशन कराना था, जिसको दो तीन चीज हमको करना था, एक तो इंश्योरेंस कराना था, और इंश्योरेंस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार के तरफ से पैसा मिलता है और 100% राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पैसा मिलता है इंश्योरेंस कराने का, लेकिन सूची उपलब्ध कराना था। उसके बाद 6,000 रुपया दिलाना था साल का, और उसके अलावा एक स्कीम और है कि जून और जुलाई में मछली नहीं मार सकते हैं, क्योंकि उस समय में मछली बच्चा देने का काम करता है, 2 महीना अगर आप मछली नहीं मारते तो सरकार के तरफ से 4,500 रुपया अलग से आपको मुआवजा मिलता है, जिसमें 1500 रुपया आपको भरना रहता है, 1500 रुपया केंद्र सरकार को भरना रहता है, और 1500 रुपया राज्य सरकार को भरना पड़ता है आपके।